जय हिंद दोस्तों, मैं कमलेश इनर्शिया जड़त्व के इस टॉपिक में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जड़त्व के बारे में डिस्क्राइब से समझेंगे, उसके टाइप और एग्जांपल सहित। तो जड़त्व इनर्शिया हम कहेंगे टू रेसिस्ट एनी चेंज। इसमें गैलीलियो ने 3 एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें बॉल को विभिन्न तरह से ऊपर से खिसकाया और एक नियम के अनुसार पाया कि टू रेसिस्ट एनी चेंज, वह अपना चेंज को रेसिस्ट करता है। तो वही है इनर्शिया का यानी जड़त्व का नियम दिया गैलीलियो ने। तो हम इसका परिभाषित करेंगे कि बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति जड़त्व कहते हैं। तो हम कहेंगे कि किसी पिंड के उस गुणधर्म को जड़त्व कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। यही है इनर्शिया या जड़त्व। हम दूसरे शब्द में जड़त्व का परिभाषित करेंगे, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह जड़त्व का नियम है। तो जड़त्व का नियम हम समझ गए और इसको गैलीलियो गैलीली ने परिभाषित किया, तो हम उसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो गैलीलियो गैलीली का जन्म 15 फरवरी 1564 यानी 15 फरवरी 1564 को पिसा इटली में हुआ और डेड हुए। उनके जीवन काल समाप्त हुआ 8 जनवरी 1642 यानी 8 जनवरी 1642। गैलीलियो गैलीली एक खगोलशास्त्री, भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ थे। एक साथ खगोलशास्त्री भी थे, भौतिक विज्ञानी थे, गणितज्ञ भी थे। गैलीलियो ने पेंडुलम, टेलीस्कोप जैसे अनेक आविष्कार किया। इन्हें खगोल विज्ञान का जनक तथा आधुनिक भौतिकी का पिता कहा जाता है। ये हम गैलीलियो के बारे में जाने। अब जानते हैं इनर्शिया के बारे में और डिस्क्राइब करते हैं। यदि गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करे तो वह उस वस्तु का जड़त यानी इनर्शिया हुआ। इसका मतलब है चाल में परिवर्तन, उसकी गति की दिशा में परिवर्तन, चाल और दिशा दोनों में परिवर्तन, गति की अवस्था में परिवर्तन है। ये सभी में गति और चाल और दिशा दोनों में परिवर्तन होता है। यह सब परिवर्तन हो गया यदि गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध हुआ तो वह उस वस्तु का जड़त्व हुआ। समझे? अब जड़त्व का नियम किसने दिया? गैलीलियो ने दिया। इसी नियम को गैलीलियो ने दिया, इस कारण इसे जड़त्व के नियम को गैलीलियो का नियम कहते हैं। और इसी नियम को न्यूटन का प्रथम गति का नियम कहते हैं, क्योंकि न्यूटन ने गति का 3 नियम दिया, जिसमें प्रथम नियम जड़त्व का नियम था। जिसमें गति के प्रथम नियम में न्यूटन ने कहा कोई वस्तु विराम अवस्था में है यानी रुका हुआ है तो विराम में रहेगी, और यदि गति में है तो वह उसी गति में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यदि बाह्य बल लग गया तो वर्तमान अवस्था में परिवर्तन आ जाएगा। गैलीलियो गैलीली को फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कहा जाता है। गैलीलियो के विचार यानी इनके प्रयोग ने ही न्यूटन आइंस्टीन के विचार का आधार बना। अब हम जड़त्व का मापन हम किस पर निर्भर करते हैं? तो जड़त्व का मापन द्रव्यमान में होता है। जड़त्व का मापन द्रव्यमान में होता है। जड़त्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द्रव्यमान। इसका मतलब है अगर वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो गति का विरोध भी अधिक करेगा, अरे यदि जड़त्व कम है यानी द्रव्यमान कम है, ये दोनों जड़त्व और द्रव्यमान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हम जड़त्व का मापन द्रव्यमान में होता है, इसका एग्जांपल समझेंगे। एक लॉन रोलर है, इस सामने दिख रहा है। लॉन रोलर को विराम से गति में लाने में या एक गतिशील लॉन रोलर को गति से विराम में लाने में अधिक बल की जरूरत पड़ता है, और यदि गतिशील लॉन रोलर को गति में बनाए रखने में अपेक्षाकृत कम बल का जरूरत पड़ता है। ये जड़त्व का मापन डायरेक्टली है तो द्रव्यमान पर निर्भर हुआ। जड़त्व यानी इनर्शिया है तो 3 प्रकार के होते हैं। विराम का जड़त्व इनर्शिया ऑफ रेस्ट, गति का जड़त्व इनर्शिया ऑफ मोशन, और दिशा का जड़त्व
इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हुआ। तो विराम का जड़त्व के बारे हम समझेंगे कि विराम का जड़त्व यानी इनर्शिया ऑफ रेस्ट इसे कहते हैं, इसे विश्राम या विराम, विराम या विश्राम का जड़त्व कहते हैं। वस्तु विराम अवस्था में रहने से जो जड़त्व का गुण आता है वही विराम का जड़त्व है। इसका हम उदाहरण से समझेंगे। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही की गिरने की आशंका कारण विराम का जड़त्व है। अश्व रुका हुआ है यानी घोड़ा रुका हुआ है, एकाएक चलना प्रारंभ कर दिया तो अश्व के साथ जो पैर सटा हुआ है वो गति में बढ़ जाएगा, लेकिन जो ऊपर की हिस्सा है वह रेस्ट में है और रेस्ट में ही रहना चाहता है, इस कारण वह पीछे की ओर झुक जाता है, यह विराम का जड़त्व है। कंबल को छड़ से पीटने पर धूल के कण झड़ जाता है। कंबल को हम छड़ से पीटेंगे तो छड़ कंबल को ऐसे गति में प्रदान करता है, लेकिन धूल कण स्थिर रहता है और विराम में रहता है और विराम में रहना पसंद करता है, इसलिए वह कंबल से हट जाता है। नेक्स्ट हम समझेंगे पेड़ को हिलाने पर पेड़ पर जो फल लगा है उसका नीचे गिरना। पेड़ को जब हिलाते हैं उसे टहनी को हिलाएं तो पेड़ तो हिल गया लेकिन उसमें जो फल लगे हैं वह स्थिर है और अपना जड़त्व को बनाए रखता है, इस कारण वह नीचे गिर जाता है। मोटर कार के कायक चलने पर उसमें बैठा व्यक्ति पीछे झुक जाता है। मोटर कार शुरुआत में रुका हुआ था और एकाएक चलना प्रारंभ कर दिया तो एकाएक चलना प्रारंभ कर दिया तो उस पर बैठा जो यात्री था तो उसका शरीर तो रेस्ट में था और एकाएक चलना प्रारंभ किया तो वे रेस्ट बनाए रख रहा था। जड़त्व के कारण, स्थिर के जड़त्व के कारण, विराम के जड़त्व के कारण वह पीछे की ओर झुक जाता है। अब एक और एग्जाम्पल है, हथौड़े को हत्थे में कसने के लिए हत्थे को जमीन पर मारना, जमीन पर मारते हैं तो विराम के जड़त्व के कारण हत्था का अच्छा से कस जाता है। अब आते हैं गति का जड़त्व के बारे में समझेंगे। तो गति का जड़त्व यानी इनर्शिया ऑफ मोशन हम किसे कहेंगे, वस्तु गति की अवस्था में रहने से जो जड़त्व का गुण आता है वही गति का जड़त्व है। इसका हम उदाहरण से समझेंगे। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है, चल रहा है बस गति में है और अचानक ब्रेक लग गया तो यानी वे स्थिर हो गया तो उसमें बैठा हुआ यात्री आगे की दिशा में गिरता है। क्योंकि है सो बस गति से विराम अवस्था में आ गया, अब विराम अवस्था में आ गया तो व्यक्ति उसमें जो यात्री था व्यक्ति था वह गति था, लेकिन वो एकाएक विराम में नहीं आ गया, वह गति के जड़ के कारण आगे की दिशा में गिरता है। नेक्स्ट एग्जांपल है, लंबी कूद के खिलाड़ी कुछ दूर पहले छलांग लगाते हैं। लंबी कूद के खिलाड़ी हैं जो लंबा छलांग लगाते हैं, उसको छलांग लगाने से पहले छलांग लगाते हैं क्योंकि उतना दूर जाने से पहले थोड़ा सा ऊपर उठ जाए, यह गति के जड़त्व के कारण यह संभव हो पाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है, गोली मारने से कांच में छेद हो जाता है, परंतु पत्थर मारने पर कांच टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, यह जड़त्व के कारण संभव हो पाता है। अब आते हैं नेक्स्ट, दिशा का जड़त्व यानी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हम इसके बारे में समझेंगे कि वस्तु दिशा यानी डायरेक्शन में रहने से जो जड़त्व का गुण आता है वही दिशा का जड़त्व है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसका हम एग्जांपल में समझेंगे। चाकू या छुरी को धार करने वाले घूर्णन रिंग से निकलने वाले चिंगारी की दिशा घूर्णन रिंग के स्पर्श से दिशा में होता है, यानी जड़त्व के कारण दिशा का दिशा है जड़त्व के कारण आता है जो गुण इसी कारण हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट, चलते गाड़ी में हम राइट टर्न ले रहे हैं, चलते हुए गाड़ी है उसमें हम राइट टर्न ले रहे हैं, उस कंडीशन में हमें फोर्स का बाहर की तरफ लगता है। जब हम राइट टर्न लेते हैं तो फोर्स बाहर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लगता है, यह दिशा के जड़त्व के कारण संभव होता है। तो यही हम जड़त्व के बारे में समझेंगे। आपका यह टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके बताएं। जय हिंद।